लीजिए, दूसरा चिराग पैदा कर रहे थे भाजपा के लोगों में, आरसीपी सिंह क्या थे। अगर यह गठबंधन नहीं टूटा तो उन्होंने भाजपा का तो ये मंशा था कि जदयू को तो तोड़ दिया जाए। कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे, देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जो फैसला बिहार के हित में होगा, उन्होंने बिहार के हित में जो फैसला लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त अभी हम आए हुए हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय कुमार राय जी के आवास पे, और चूंकि ये जदयू के वरिष्ठ नेता भी हैं। हालांकि बिहार में जिस तरीके से 24 घंटा के अंतराल में बिहार का माहौल जो है, राजनीतिक माहौल जिस तरीके से बदला, लोगों को हैरत में भी डाला। हालांकि जो अभी प्रतिक्रियाएं आ रही है वो सधी हुई प्रतिक्रियाएं हैं, बीजेपी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, लेकिन जदयू और आरजेडी जो है अपने स्तर से प्रतिक्रिया दी है। अजय जी से जुड़ेंगे क्योंकि बहुत दिनों से ये राजनीति को देखते आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल जिस तरीके से बदला है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सर, क्या लग रहा है राजनीति बिहार में जिस तरीके से चेंजिंग हुआ है, कल क्या कुछ कहेंगे आप इस मुद्दे पे? ये तो नीतीश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे, देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जो फैसला बिहार के हित में होगा, उन्होंने बिहार के हित में जो फैसला लिया वो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। और भाजपा और आरएसएस लोग चाहते थे समाजवादी लोगों को तोड़ तोड़ के अलग करना, समाजवादी का लोग वैशाली, बिहार लोकतंत्र की धरती है और यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत हुआ। और वह राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आकर बोला था कि क्षेत्रीय पार्टी को हम खत्म कर देंगे। तो आप लोग बताना चाहते हैं आप लोग को, यह समाजवादी की धरती है, और लालू जी और नीतीश जी तो समाजवादी लोग हैं। अरे होता है, घर में है तो एक भाई भाई में झगड़ा होता है, फिर भी सब लोग एक हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बिहार के विकास में और मदद मिलेगा और बिहार और चार गुना विकास की ओर बढ़ेगा, बेहतर होगा। ये वाला सरकार जो है महागठबंधन में जिस तरीके से नीतीश जी गए हैं, कितना दिन चलेगा? लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से बिखर जाएगा, उम्मीद क्या लग रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है, नीतीश जी बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं और बिहार के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, जन हर गरीब के लिए कल्याण योजना चलाए हैं, देखिए पंचायत स्तर पर भी कितने अच्छे अच्छे विकास का काम किए हैं। और ये रही बात गठबंधन की बात है, तो ये तो आला कमान की मैटर है और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिल के, समाजवादी लोग मिल के ही सत्ता चलाए और बिहार का विकास करें। नीतीश जी तो परसों तक देखा जाए तो आरजेडी को पानी पी पी के जो है आरोप लगा रहे थे कि परिवारवाद है, जब से जो है इनकी सरकार रही तो पूरे बिहार में जंगल राज हो गया, बार बार जो है फिर जाके महागठबंधन में मिल जा रहे हैं। लगता नहीं है कि इससे नीतीश जी के जो कैरेक्टर है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा? पहले हम आपको बता दिए हैं कि वो भाजपा के लोग यहाँ बिखराव दो भागों में, मानव को दो भाग में बांटने का काम करने का स्टार्ट कर दिए, और जब मानव दो भाग में बंट जाएगा तो क्या स्थिति होगा, आप तो समझ रहे हैं। देश भाजपा तो जो है कह रही थी कि इसे 2025 तक लगातार मिलेंगे, 2025 में भी हम लोग नीतीश कुमार के रेंज में ही चुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्या कुछ बीच में हो जाता है कि बार बार जो है इनको बिखराव करना पड़ जाता है पार्टी? देख लीजिए, दूसरा चिराग पैदा कर रहे थे भाजपा के लोगों ने, आरसीपी सिंह क्या थे। अगर यह गठबंधन नहीं टूटता तो उन्होंने भाजपा का तो ये मंशा था कि जदयू को तो तोड़ दिया जाए। सिंह तो कह रहे हैं कि इसे जदयू को हम जो है सींचे हैं, असली नालंदा के बेटा हम हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, जदयू का मतलब नीतीश कुमार जी हैं और सारा वर्कर, सारे अति पिछड़ा दलित महादलित सारे लोग नीतीश जी को मानते हैं दिल से, सब जनता, पूरे बिहार की जनता उनको मानता है, और जो विकास करेगा बिहार का सत्ता उसके हाथ में रहेगा। आप जो है शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई सारे महागठबंधन के लोग को, मैं बधाई देता हूं अपनी ओर से, वैशाली जिला के तमाम जनप्रतिनिधि की ओर से, जनता की ओर से मैं उनको बधाई देता हूं कि आगे का काम जो विकास का काम हो अच्छे ढंग से बिहार का हो। अच्छा, आरजेडी कह रही है कि इसे मतलब दारू जो है फिर से शुरू हो जाए, आप फिर आरजेडी में मिल गए, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, शराबबंदी तो होना चाहिए, शराबबंदी माननीय नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो शराबबंदी का जो बंद कराया गया ये तो बहुत अच्छी। आप पहले देखते थे रात में दारू पी के आता था, पत्नी को मारता था, हत्या होता था, लूट होता था, इस सारे चीज को देख लीजिए कितना बंद हो गया। शराब, अभी शराबबंदी से कितने परिवार सब लोग अब अच्छे से कमाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, तो क्या था पहले?
शराब पी के लोग बच्चा को नहीं पढ़ाते थे। और आरजेडी की जहाँ तक बात आप बोले, ये अब ये लोग बड़े नेता हैं, वहाँ पर सब लोग का जो कैबिनेट का मंतव्य होगा उसके हिसाब से नीतीश जी अपना, नीतीश जी तो भले ही बोल चुके कि हम इससे समझौता जब तक जिंदा रहेंगे इससे समझौता नहीं करेंगे शराबबंदी। अभी हम आए हुए हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र ही ये पड़ता है और ये तेजस्वी यादव जी का क्षेत्र है और यहाँ के कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानेंगे क्योंकि अब महागठबंधन में चूँकि जदयू शामिल हो गई है, आज शपथ ग्रहण भी है, तो क्या कुछ इन लोगों का भी प्रतिक्रिया है। आपका क्या नाम हुआ सर? सुरेश कुमार नाम हुआ। क्या कहेंगे चूँकि अब नई सरकार का भी आज से जो है शुरुआत हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप? हम तो यही कहेंगे जी, सरकार का नई शुरुआत कर रहे हैं महागठबंधन के साथ, तो अच्छे ढंग से चलाए इसको, बार बार जो चेंज हो रहा है उस पर विराम लगे और जनता का काम हो, क्योंकि जनता बेरोजगारी से त्रस रही है। और तेजस्वी जी ने 10 लाख रोजगार का वादा किया था जब महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो उस पर ध्यान दें, कुछ रोजगार दें युवा लोग को और बेरोजगारी पर थोड़ा ध्यान दें, साथ साथ महंगाई पर ध्यान दें। राघोपुर का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं से बिद्दूपुर भी आता है, राघोपुर का कितना विकास होगा? भाजपा वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि फिर से जो है जंगल राज आ जाएगा। नहीं देखिए, राघोपुर जो क्षेत्र है वो तेजस्वी जी का क्षेत्र है, हम उनसे आशा करेंगे कि अब वो जब सरकार में आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा राघोपुर में विकास करें, क्योंकि उनका ये गढ़ रहा है और पुनः फिर यहाँ से वो लड़ेंगे तो विकास करें, जिससे हम लोग उनके साथ रहेंगे। यही कहूँगा कि नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों आदमी मिल के समाज को और देश को ऐसा चलाएं कि फिर इधर से उधर होना नहीं पड़े, दल बदलू वाला काम नहीं करें, जहां एक बार आ गए वहीं पर फिर इस्तीफा दे दे कि आराम से दोनों आदमी रहे अपना सरकार चलावे। और फिर मान लीजिए कि आज नीतीश जी आ गए सत्ता में, फिर कल के डेट में चले जाएंगे बीजेपी में, ऐसा नहीं करें। ऐसा करने पर क्या होगा कि नीतीश जी का कहीं अस्तित्व नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय राय जी के छोटे भाई हैं, इनसे भी सर से जानेंगे क्योंकि बिहार के राजनीति पे अभी ये भी लगातार फोकस कर रहे हैं और राघोपुर क्षेत्र कम से कम अहमियत रखता है वैशाली में, क्या सर कहेंगे आप? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहेंगी जिस तरीके से महागठबंधन में शामिल हो गए हैं नीतीश जी? तो सीएम थे और सीएम है, वो आरजेडी का बात है तो गठबंधन नीतीश जी स्वच्छ लोग सुशासन बाबू है। सब लोग तो कह रहे हैं कि से नीतीश जी आप भरोसा के लायक ही नहीं रहे। राजनीतिक में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, लेकिन पलटू राम के नाम से एकदम प्रसिद्ध हो गए हैं। राजनीतिक में चलता है, ये कभी नहीं होता कि कभी वो बोल दे, ये सब चीज नहीं है। लेकिन नीतीश जी सुशासन से, और दारूबंदी होना चाहिए, दारूबंदी अच्छी चीज है, लेकिन प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस पे कि दारू पे दारू बिकता कहाँ से, आना नहीं चाहिए। जिस थाना में दारू पकड़ाता है उस थाना प्रभारी को निलंबित करें, एक निलंबित होंगे फिर अगले आएंगे उनके में डर रहेगा। नीतीश कुमार अभी महागठबंधन में शामिल हो गए, आगामी क्या कुछ भरोसा लग रहा है? लोकसभा चुनाव के बाद फिर जो है मिल जाएंगे बीजेपी में? ऐसा नहीं होने वाला, मतलब अपना सीट बढ़ा के, कुछ लोगों को उम्मीद है कि महागठबंधन से सीट जो है बढ़ जाएगा जदयू का और फिर जो है बीजेपी में सट जाएंगे। नीतीश जी को तो भाजपा ने ही डैमेज किए थे ना, चिराग को लाके और उनके डैमेज को जो है हैंडल करने के लिए तो महागठबंधन। हाँ तो क्या करेंगे, आपके साथ है और पीछे पीछे से आप चाकू भोंक रहे हैं, तो क्या करेंगे, कितना दिन चलेगा ये गठबंधन, कितना दिन चलेगा? तो नीतीश जी को डैमेज भाजपा लोग ने किया, नीतीश जी डैमेज होने वाले नहीं है, वो अच्छे राजनीतिज्ञ और विकास पुरुष है बिहार के लिए। आज देखिए बिजली, सड़क, मेडिकल, हर चीज में देखिए आप जो कितना क्राइम कंट्रोल हो गया, दारूबंदी से तो बहुत फायदा होना चाहिए। क्या शुभकामनाएं देंगे नया सरकार जो है आज से फिर से जैसे चलाते थे उसी तरह चलाए, और मेरा हम लोग की ओर से शुभकामना है कि विकास करे। हालांकि राघोपुर की जनता जो है कह रही है कि बिहार में जैसे पहले से सुशासन की सरकार थी उसी तरीके से एक बार फिर से महागठबंधन में भले ही जदयू शामिल हो गई है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बिहार में पूरा खो की स्थिति है। कुछ लोग अपने स्तर से प्रतिक्रियाएं सरकार के लिए दे रहे हैं, कुछ लोग नीतीश पे आरोप लगा रहे हैं कि वो अब भरोसे के काबिल नहीं हैं। अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अजय राय जी का आवास है और यहाँ के लोगों का कहना है कि महागठबंधन में अगर जदयू शामिल भी हो गई है, नीतीश जी शामिल भी हो गए हैं, तो भी बिहार का जो है समग्र विकास होगा। हालाँकि दारूबंदी पे लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं,
नेशन टीवी बिहार के लिए मैं प्रेम झा हाजीपुर से। एंजोफिट प्रीमियम शर्ट पूरे बिहार से फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें विभागीय वस्त्र केंद्र दिघी कला हाजीपुर, मोबाइल नंबर 9905697290। नवदुर्गा हॉस्पिटल जोहरी बाजार हाजीपुर, मोबाइल नंबर 6200159300। यहां सभी प्रकार की सर्जरी दूरबीन द्वारा की जाती है। 24/7 ओपन हॉस्पिटल। इंडियन जायका फैमिली रेस्टोरेंट हाजीपुर, कमिंग सून इन हाजीपुर सिटी। Grand opening 22 April, Pasman Chowk near Sankar Talkies. Order open now. श्रीमती ए टू जेड कपड़ों का विशाल प्रतिष्ठान सुभाष चौक, नवीन सिनेमा रोड, हाजीपुर, जहां है हर तरह की फैंसी साड़ियां, कॉटन साड़ी, हर तरह की फैंसी लहंगा, दुल्हन लहंगा, कुर्ती, जीन्स, टी शर्ट, नेट, चंदेरी, पोपलिन, धोती कुर्ता, बेडशीट सहित तमाम तरह के कपड़ों का विशाल रेंज। साथ ही खरीदारी करें 20,000 या उससे ज्यादा की और पाएं 1,000 से 5,000 तक निश्चित उपहार। तो आज ही बधारे हाजीपुर शहर के प्रतिष्ठित कपड़ों का विशाल शोरूम श्रीमान श्रीमती सुभाष चौक, नवीन सिनेमा रोड, हाजीपुर। मोबाइल नंबर 9131416933। M&M हॉस्पिटल नारी अलंकारम गली एसडीओ रोड हाजीपुर, आपके शहर हाजीपुर में पहली बार अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एकमात्र अस्पताल डॉक्टर मनोज कुमार एवं डॉक्टर मंदाकिनी के द्वारा संचालित 24/7 महिला एवं बच्चा अस्पताल। कॉल करें 6204684795 M&M हॉस्पिटल हाजीपुर। सकल देश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां है प्रसिद्ध डॉक्टर द्वारा सफल इलाज। तो आज ही संपर्क करें सकल देश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिग्घी कला, NH22, रेलवे ओवरब्रिज, हाजीपुर। मोबाइल नंबर 7761946001।